नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं मसूरी और आज ये थोड़ा मौसम खुला हुआ है, तो चलिए फिर चलते हैं मसूरी। चलिए साथियों, आपको मसूरी की सैर कराते हैं, मालोड घुमाएंगे और हम लोग आज ब्रेकफास्ट के लिए जेपी रेजिडेंसी मैनोर में भी जा रहे हैं और वहाँ का भी आपको दिखाते हैं। चलिए आज मौसम का हाल दिखाते हैं आपको बालकनी से। साथियों मसूरी आप देख रहे हैं सामने हल्के बादल लगे हैं ऊपर, लेकिन मौसम वैसे खुला हुआ कह सकते हैं आपको, हल्की शेड आ रही है और नदी की आवाज़ भी बहुत आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पानी बह रहा है हमारे ये फ्लैट के बराबर में जो नदी बहती है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और निक्की भी हमारे साथ जा रही है, निक्की बहुत खुश है आज और निक्की बहुत खुश है आज मसूरी घूमने के लिए। चलिए साथियों मसूरी घुमाते हैं। साथियों हम लोग आ चुके हैं टोल पे, सात मोड़ भी इस जगह को बोलते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही शानदार व्यू है। इस समय आधे पहाड़ पर शेड है, आधे में धूप है और ये चार की मम्मी इन्होंने याद दिलाया कि सात मोड़ आ गया, रिकॉर्ड कर लीजिए। और साथियों हम लोग आ चुके हैं अब टोल से ऊपर, बहुत ही देहरादून घाटी का बहुत ही मनोरम नज़ारा है। देहरादून के ऊपर आप देख सकते हैं बादल लगे हैं, पूरे शहर के ऊपर बादल छाए हुए हैं। ये सामने हयात की बिल्डिंग भी दिख रही है, DIT है और अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी भी यहाँ से दिख रही है। चैनल को देखते रहिए साथियों, ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको हम लोग दिखाते रहते हैं। और हम सुबह सुबह निकले हैं मसूरी के लिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। साथियों हम लोग आ गए हैं बार्लोगंज में, यहाँ से आपको देहरादून का व्यू दिखा रहे हैं। चूँकि हम लोग JP जा रहे हैं तो JP का रास्ता यही पड़ेगा और ये चारों की मम्मी खड़ी हैं। अब पहले नीचे से जो लिया था व्यू, तो अब हम और हाइट पे आ गए तो यहाँ से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ये सही कह रही हैं चारों की मम्मी, बहुत ही सुंदर व्यू। ओह निक्कू भी आ गई है हमारी, सो गई थी। निक्कू भी आ गई है भाई, निक्कू को नींद आ गई थी। निक्कू कुछ कहोगे बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बादल दिख रहे हैं नीचे, बादल देखा, कितने अच्छा लग रहा है ना। और निक्कू ने नींद पूरी कर ली है, ये सुबह सुबह उठ गई थी। चलो चलिए भैया। चुके हैं इस समय JP रेजिडेंसी मैनोर में, हम लोग एंटर कर रहे हैं इससे। बहुत ही शानदार रिसेप्शन है लोगों का, बहुत ही सुंदर ये लॉबी है फ्रेंड्स JP की, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और हम लोग जाएंगे और ये आ गई है निक्कू थकते थकाते ऊपर। एक्चुअली हम लोग जाएंगे अभी रूफ टॉप पे, आपको दिखाते हैं। साथियों हम लोग आ चुके हैं पूल साइड में, ये ठंडा गर्म दोनों हैं, बहुत ही शानदार पूल है आप देख सकते हैं। और ये लिखी आ रही है चारों दिमाग में, बहुत ही सुंदर पूल। क्योंकि साथ ही हिल स्टेशन है तो नॉर्मली गर्म पानी रहता है, ठंडे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही सुंदर पूल साइड आप देख सकते हैं, और साथ ही हम लोग आ चुके हैं JP में। जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही, ये सामने रेस्टोरेंट है इनका, बहुत ही शानदार है। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू मिलते हैं, साथ ही देहरादून के भी, मसूरी के भी कंप्लीट व्यू है यहाँ से, ये आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये जो है, और साथ ही हम लोग आ चुके हैं
तो आप चारों दिनों में शुरू कर रहे हैं अपने फ्रूट सेक्शन से। बहुत ही सुंदर लग रहा है, कटिंग बहुत अच्छी है, फ्रेश लग रहे हैं फ्रूट। तो वो कहते हैं पाइन एप्पल है, सब लोग टीम लगी हुई सामने शेफ है, थोड़ा कुकिंग सेक्शन है किचन में, वो तो मैं खाकर देखा। खाने के काफ़ी सारे आइटम हैं, तो चारों दिन मम्मी लगा रही हैं निक्के के लिए। लगा रही हैं निक्के के लिए, कौन से बताएंगे चीज़ों के बारे में कि खुल के आते हमारे ये जैसे क्या चीज़ है। दिस इज सर, दिस इज़ कचौड़ी विद आलू भाजी। कचौड़ी विद आलू भाजी रेगुलर जो हम लोगों का ट्रेडिशनल है, मिड इन आपका जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडियन में है, तो कचौड़ी जो है आलू की सब्जी के साथ देखते हैं, जैसे आलू की भाजी के साथ खाते हैं। सर दिस इज पराठा जवा एंड आई वुड लाइक टू मेंशन माय फ्रेंड दैट्स ही इज मिस्टर ध्यानी, ही इज अ शेफ हियर एंड ही इज टेलिंग अबाउट दी दिस इज देन मटर कुलचा। दिस इज रेगुलर आवर जो अपना इंडियन कुलचा विद मटर की भाजी। देन वी हैव अ साउथ इंडियन ऑप्शन, साउथ इंडियन देन पोहा एंड दिस इज पोहा देन द पोंगल इट्स अ पोंगल इडली वी हैव इडली अलोंग विद द कोकोनट चटनी एंड टमाटो पेस्ट चटनी द सांभर वी हैव सांभर देन इट्स अ चाइल्डहुड मेमोरीज चना और हलवा चना हलवा जो जो है गाने जी ने बताया बचपन की देखिए गाना जो फेमस कि हलवा वाला आटे दिस इज हेल्प फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल फॉर चाइल्ड मैक्रोनी बच्चों की पसंद है ये पोरिज छोटे बच्चों के लिए एंड दिस अगेन बेक बीन्स एंड पोटैटो रोस्टी ब्रेड सेक्शन थैंक यू वेलकम सर। मॉर्निंग की शुरुआत जो है हमारी जूस से होती है, जूस तो ये फ्रेश वाटरमेलन जूस है, जैसे प्रिजर्वेटिव जूस आपका मैंगो का है, कोल्ड कॉफ़ी बच्चों की पसंद एंड द स्वीट लस्सी पंजाबियों की पसंद गेस्ट आते हैं। इसके बाद ये ब्रेड बेकरी सेक्शन है हमारा, दिस इज एवरीथिंग इज वी हैव एगलेस एक्सेप्ट दिस ड्राई केक, एक्सेप्ट ड्राई केक उसमें हमने रेड डॉट डाला हुआ है, रेस्ट बेकरी हमारी एगलेस है, सब एगलेस है। हाँ, लोग चूंकि लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को पेस्ट्री बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए बच्चों के लिए भी पेस्ट्री का ऑप्शन रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, हेल्थ कॉन्शियस लोग जैसे सीरियल्स है ये पूरा, ये हम लोगों ने अभी कोविड की वजह से एक इम्यूनिटी बूस्टर्स रखे हुए हैं। अच्छा, गुड गुड। इम्यूनिटी बूस्टर जिसमें हल्दी है, सिनेमन स्टिक्स है, गुड़ है, आलमंड फ्लेक्स है, तो दूध के साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई है यहाँ पे। बहुत ही हेल्दी कॉन्सेप्ट है, जैसे आज के हॉट और कोल्ड मिल्क है, बहुत सारा आइटम है। अगर मुझे बताएंगे आगे कुछ लग रहा है आपका सेक्शन में? सर ये हमारा ये नॉनवेज एंटी पास्टिकुलेटर है, हाँ ये चिकन सलामी से हमारा, इसके साथ पिकल्ड है, साथ में ड्रेसिंग्स है, चीज़ प्लेटर है, अलॉन्ग विथ हेल्थी सेक्शन है। अगर आप अपना सलाद बना के खाना चाहते हैं तो यू कैन मेक योर सलाद विथ अलॉन्ग विथ ड्रेसिंग्स, हमारी इतनी सारी यहाँ पर ड्रेसिंग्स रखी हुई है, बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये सलाद रखे हुए सर, दीज आर द फ्लेवर्ड योगर्ट, ये स्प्राउट्स रखे हुए तीन प्रकार के हैं एंड सैंडविच है आपके, सैंडविच हाँ जी, ब्रेड फ्रूट सेक्शन हो गया, देन प्लेन कर सीजनल फ्रूट दिस आर मुरब्बा स्पेशली द फोर टाइप्स ऑफ मुरब्बा, बेल हो गया, कैरेट हो गया, आमला हो गया एंड एप्पल हो गया। सर दीज आर द डिस्प्लेज है, ये सामने हमारे सर हनी है विच इज़ अ वेरी मीन्स ना लिमिटेड क्वान्टिटी, सनफ्लावर ऑर्गेनिक सनफ्लावर हनी आपका तुलसी बेस हनी है और नीम का फूलों की हनी है, तो हनी में ये सारे आपके इम्यूनिटी चीज़ के लिए। तो साथ ही ध्यानी जी इन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, और आप भी आइए खाने का आनंद लीजिए।
हमेशा क्या जेपी बहुत ही बड़ा नाम है और शुरू में तो ये इंडिया का फर्स्ट फाइव स्टार होटल होता था, अब तो कहीं जे डब्ल्यू आ गया और कई लोग आ गए, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसको पसंद किया, इस प्रॉपर्टी को कहीं बार आकर रुके भी हैं, तो आज सोचा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट का यहाँ। थैंक यू। तो साथियों हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कुछ आइटम लिए हैं, पेस्ट्री है, एक सॉसेज है और निक्कू ने लिया है बेकरी का आइटम, देखिए केक है निक्कू के लिए, पेस्ट्री है, केक है, पेस्ट्री है। और भाई तुमने क्या लिया है? मैंने भी केक लिए हैं और पेस्ट्री। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं साथियों, सुंदर लग रहे हैं, अब आपको खा के दिखाते हैं। तो साथियों हमारा नाश्ता हो रहा है, अभी एक ऑमलेट मंगाया है और निक्की के पास भी ऑमलेट है, ये चारों मम्मी पेस्ट्री खा रही हैं और ये डोसा है, डोसा बहुत पसंद है निक्की को, इसलिए हमने डोसा मंगाया है। क्यों भाई निक्कू, क्यों भाई निक्की को? अच्छा सॉस है ऑमलेट के साथ। तो साथियों हम लोग खड़े हैं जेपी रेजिडेंसी मैनर की छत पर, टेरेस कह सकते हैं आप इनका, इनका टेरेस भी ऊपर ही, रेस्टोरेंट भी ऊपर ही है और बहुत ही सुंदर व्यू है साथियों, आपको दिखाते हैं। देखिए ये इस समय कितना कोहरा एकदम लगा हुआ है, धीरे धीरे कोहरा ऊपर आ रहा है और ये देहरादून की साइड है, आप दून वैली कह सकते हैं, लेकिन इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यही है पहाड़ के मौसम का, पहाड़ का मौसम जो है कब चेंज हो जाए कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है साथियों, फाइव स्टार होटल है, बहुत पुराना फाइव स्टार है, मतलब इसका फर्स्ट जो हम लोग ऐड देखते थे उस जमाने के, इट इज़ दी इंडियाज़ फर्स्ट फाइव स्टार ऑन इंडिया हिल्स, तो बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी आज हम लोग आए थे। और देखिए साथियों कोहरा इस समय ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आपको दिखाने के लिए हम लोग आते रहते हैं। और साथियों एक चीज़ और हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमें लगता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आपको और दिखाते हैं। साथियों ये था आज हमारा जेपी रेजिडेंसी मैनोर का टूर कह सकते हैं आप इसको, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, फाइव स्टार होटल है, बल्कि पहला इंडिया का, इंडिया हिल्स पे पहला फाइव स्टार था उस ज़माने में, अब तो मसूरी में काफ़ी फाइव स्टार आ गए हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता था, स्पेशली आप साउथ इंडियन बहुत अच्छा था, फ्रूट बहुत बढ़िया थे, जूसेस बहुत अच्छे थे और बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया, उम्मीद है और आप लोग भी आइए इन्जॉय करिए। अब कुछ चारों की मम्मी कहेंगी। तो दोस्तों इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया यहाँ पे, सुबह हम चले थे तो धूप थी, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया और ठंड भी थोड़ा है, तो अभी स्वेटर तो नहीं पहना है, तो आप लोग भी आइए दोस्तों और इन्जॉय कीजिए। और साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना ले कर निकल जाते हैं, और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो साथियों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह।